मीनिंग so क्या है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर का यानी कि इंडिया में स्पेस इंडस्ट्री को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन करना एग्जाम्पल के साथ समझते हैं देखो पहले सिर्फ इसरो ही सैटेलाइट को लॉन्च कर सकती थी और बना सकती थी पर अब प्राइवेटाइजेशन हो गया है तो स्पेस सेक्टर का तो प्राइवेट कंपनीज भी सैटेलाइट्स को बिल्ड कर सकती है इनको लॉन्च कर सकती है प्राइवेट कंपनीज के पास भी फ्रीडम है अब देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक कंसल्टेंसी है तो उन्होंने ये बोला है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है ना स्पेस सेक्टर में वो 77 बढ़ी है से 2021 से 2022 के बीच में जिसमें 190 इंडियन स्टार्टअप्स जो है वो ओपन हुए और ये कितना है ये ट्वाइस है एज मेनी एज अर अर्लियर मतलब पिछले से दो गुना ज्यादा इंडिया के जो स्पेस सेक्टर है उन्होंने रिसीव किया है 62 मिलियन डॉलर फंड 2023 में एंड जिसमेंट रजिस्ट्रिंग बड़ी ने. Companies आपकी जो है, उन्होंने किया है, इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट विक्रम इन टू स्पेस जो, जिनका प्लान है कि वो रेवोल्यूशनाइज कर देगा सैटेलाइट के लॉन्चेस को जो स्पेस पॉलिसी 2023 है वो फॉर्मली डाउन कर रही है कि रेगुलेशंस क्या है प्राइवेटाइजिंग स्पेस के इंडिया में और ऑल्सो वो गाइडलाइंस बता रही है ऑफ ऑपरेशन फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इसरो का जो कमर्शियल आर्म है और अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर के बारे में भी अब देखो अगर हम देखें पोटेंशियल क्या है इंडिया के स्पेस सेक्टर में देखो सबसे पहले स्पेस इकोनॉमी की बात कर लेते हैं अब आप लोग कहोगे स्पेस इकॉनमी क्या है जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है स्पेस वाली एक्टिविटीज तो उसको स्पेस रेवेन्यू कहते हैं या फिर इकोनॉमी कहते हैं इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है ना वो अराउंड सिक्सटी सेवन हंड्रेड करोड़ की वैल्यू की जा रही है ठीक है जिसमें वर्ल्ड का कितना है वर्ल्ड में कितने दो परसेंट शेयर है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में देखो जो रेवेन्यू आता है ना सेटेलाइट लॉन्च से अगर हम देखें जो इसरो है वो कैसे पैसा कमा रही है यूरोपियंस की सेटेलाइट को लॉन्च करके उन्होंने 230 से 240 मिलियन अमाउंट कमाया है और अमेरिकन की सेटेलाइट को लॉन्च करके 170 टू तो 180 बिलियन डॉलर पैसा कमाया है अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें एज पर इंस्पैक्ट प्रोजेक्शन इंडिया की जो स्पेस इकोनोमी है उसके पास पोटेंशियल है कि वो थर्टी फाइव करोड़ जो है कमाएगी ट्वेंटी तक जिसमें इंडिया का जो शेयर रहेगा वो एट परसेंट रहेगा ग्लोबल शेयर में अगर हम एक्सपोर्ट शेयर की बात करें एट प्रेजेंट शेयर जो है डोमेस्टिक मार्केट का दैट इज डोमेस्टिकट्रेड करोड़ और एक्सपोर्ट मार्केट है कितनी फोर हंड्रेड करोड़ जो कि आने वाले फ्यूचर में आपको बढ़ती हुई नजर आएगी अपार्ट फ्रॉम दैट हम स्टेटस देख लेते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर का देखो एज पर स्पेस टेक एनालिटिक्स इंडिया सिक्स लार्जेस्ट प्लेयर है इन इंडस्ट्री इंटरनेशनल वर्ल्ड स्पेस टेक कंपनीज में एज ऑफ ये डेटा है 2021 का यूएस होल्ड करता है लीडर स्पॉट विद 56.4 परसेंट ऑफ ऑल द कंपनीज इन स्पेस टेक इकोसिस्टम दूसरे मेजर प्लेयर्स कौन से यूके है 6.5 कनाडा है 5.3 चाइना है 4.7 अपार्ट फ्रॉम दैट जर्मनी है 4.1 अब देखो इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया के तहत देर हैव बीन ओवर हंड्रेड एक्टिव स्पेस इकोनॉमीज कब से दो से इंडिया की अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें अगर इंडिया प्राइवेटाइजेशन को अलाउ करता है तो उससे इंडिया को क्या फायदे होंगे देखो हमारी एफडीआई इंप्रूव होगी और एक की ड्राइवर रहेगा यू नो एफडीआई को अट्रैक्ट uh, करने के लिए हमारे कंट्री में एट प्रेजेंट जो एफडीआई है ना स्पेस सेक्टर में वो कितना है वो अप uh, टू 100% है इन द एरियाज ऑफ सैटेलाइट एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे ऑपरेशन बट वो सिर्फ गवर्नमेंट रूट के तहत है

यू you नो know, ध्यान रख सके चैलेंजेस क्या है देखो लैक ऑफ फाइनेंस देखने को मिलता है प्राइवेट कैपिटल जो है वो अभी भी फ्रीली फ्लो नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ अगर हम कहें एक्सेस लेस एक्सेस टू कैपिटल फॉर एग्जांपल 2015 में अप्रोक्सीमेटली 129 बिलियन डॉलर जो है की फंडिंग कहीं ना कहीं डिप्लॉय की गई थी ग्लोबली

enable किया और प्रमोट किया ना नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज को सो so, उससे हमें कहीं ना कहीं और मार्केट में वो और हमें फायदा होगा हमारी जो स्पेस जो इंडिया की जो इसरो है वो खुद के मेन काम पे फोकस कर पाएगी और दूसरे प्लेयर्स जो हैं, वो इकोनॉमी लाने का मतलब पैसा लाने का काम करेंगे कंट्री में अगर हमने देखा इसरो के इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज ओपन कर दिए जाएं किन के लिए प्राइवेट सेक्टर्स के लिए तो उससे उनको काफी बेनिफिट मिल सकता है डिमांड ड्रिवन अप्रोच अपनाएंगे तो हम डेवलप कर सकते हैं स्पेस के एसेट्स को एंड वी नीड टू अपस्किल द ह्यूमन पावर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को एमओयू कंडक्ट करना चाहिए इसरो के टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ वेरियस स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जिससे यू नो वी कैन अपग्रेड और अपस्किल द टेक्नीशियन टेक्निकल साइंटिफिक असिस्टेंट्स ऑफ इसरो 4 टू 5 इयर्स में और दैट टू इन अ फेस्ड मैनर जिससे हम इस सेक्टर को बूस्ट कर सके सो गाइस दैट वाज ऑल आई होप यू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट डू लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल SSP सक्सेस योर लाइक्स एंड कमेंट्स मोटिवेट अस टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस ऑन टाइम थैंक यू एवरीवन